नमस्कार, आज मैं आपको बताने वाली हूँ बिल्कुल आसानी से केक घर पर बनाना, जो कि बहुत इजीली बन जाएगा बिना किसी मेजरमेंट कप से। मैं मेजरमेंट कप से आपको नहीं बताऊँगी, नॉर्मल जो घर पे स्पून होती है उसी से मैं आपको सारा मेजरमेंट बताऊँगी। इसी स्पून से पूरा जो केक है वो बन करके रेडी होगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपको जो ऑयल आता है वो ऑयल ले लें, बड़ा चम्मच से ऑयल डाल दें, 7 चम्मच ऑयल, एकदम ज़्यादा, एकदम पूरा गिरता हुआ तेल नहीं डालें, एकदम भर करके ऐसे एसिड डालें, एकदम गिरता हुआ और फिर अब चम्मच से डाल रहे हैं तो ऐसा नहीं करें। ऐसे 7 चम्मच तेल डाल दें और उसी चम्मच से 7 चम्मच आपको डाल देना है दही, हल्का सा भर के दही डाल दें। और उसके बाद उसी चम्मच से डाल देंगे मैदा। तो आप सबसे पहले छन्नी रखें, मैदा और शक्कर डालेंगे, तो पहले डाल देते शक्कर। शक्कर आपको पिसी हुई यूज़ करनी है, आप 7 चम्मच पिसी हुई शक्कर डाल दें और इसको अच्छे से छान लें, और इसके बाद जो बड़ी बड़ी शक्कर है उसको बाहर कर दें। उसके बाद वापस से जो मैदा है उसको भी छान लेंगे अच्छे से। तो 5 चम्मच आपको मैदा ले लेना है, जिस चम्मच से दही लिया है, तेल लिया है, शक्कर लिया है, उसी चम्मच से 5 चम्मच मैदा और 2 चम्मच कोको पाउडर, तो ये हो जाएंगे 7 चम्मच टोटल। तो ये हो गया 7 चम्मच, तो इनको भी अच्छे से छान लें। और जिस चम्मच से आपने ये सब लिया है उसे थोड़ी सी छोटी चम्मच आप देख सकते हैं जो चाय पत्ती में रहती है, तो वो वाली चम्मच यूज़ करें। और छोटी वाली चम्मच से आपको बिल्कुल थोड़ा सा डाल देना है बेकिंग सोडा, और उससे थोड़ा सा ज़्यादा डाल देंगे बेकिंग पाउडर, मतलब आधा चम्मच बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर बहुत अलग होता है, तो थोड़ा अच्छे से ध्यान से डालें। बेकिंग सोडा केक में ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसमें डाल देंगे दूध, मैं इसमें करीब करीब अभी 2 चम्मच ही दूध डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से कंसिस्टेंसी देखने के बाद इसमें 7 चम्मच दूध ऐड करें, नहीं तो नहीं करें। अगर कंसिस्टेंसी सही है तो दूध ज़्यादा ऐड नहीं करें, और अगर पतला हो गया तो हल्का सा मैदा ऐड कर सकते हैं। और कढ़ाई गरम रख दें, और उसके बाद जो है आप ये केक टिन ले लें एल्यूमिनियम वाला, उस पर ऑयल लगा लें हल्का सा नीचे, और बटर पेपर को स्टिक कर दें। इससे जो केक है वो चिपकता नहीं है, जलता नहीं है, और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। आपको इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही रखनी है, ज़्यादा पतला अगर घोल होगा तो केक बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। तो इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही रखें और अच्छे से इसको टैप कर लें ताकि इसमें जो बबल्स रहेंगे वो नहीं रहें। और कढ़ाई जब हल्की सी प्री हीट हो जाए 10 मिनट के बाद, तो इसमें स्टैंड रख करके और इसको ढक दें। इसमें हल्का सा छेद होना चाहिए जो ढक्कन है ऊपर, ताकि जो हवा है वो निकलती रहे। 15-20 मिनट के बाद देखें जो केक है वो बिल्कुल बढ़िया से बेक हो गया है। तो आप इसको इस तरह से इसमें कुछ भी चम्मच या आप चाकू डाल के देख सकते हैं, या टूथपिक डाल के, अगर बिल्कुल साफ़ निकल रहा है तो केक पक गया है, अगर गीला रह गया है तो उसको 10 मिनट और पकने दें। अब जो केक है उसको ठंडा होने दें। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें इसका जो ऊपर की लेयरिंग करेंगे क्रीम वाली, तो उसके लिए डार्क कंपाउंड और मिल्क कंपाउंड मैंने दोनों लिया है। अगर आपके पास डार्क कंपाउंड हो तो आप वो भी ले सकते हैं। उसमें गर्म थोड़ा सा पानी डाल दें और उसको अच्छे से मिक्स कर लें, बिल्कुल बढ़िया सा मिक्स कर लें इस तरह से, और बर्फ़ में इसको 15 मिनट के करीबन अच्छे से इसको चलाते रहें, जिससे कि जो चॉकलेट है वो हल्का सा गाढ़ा हो जाए। ये देखिए इस तरह से हल्का सा गाढ़ा हो जाएगा। उसके बाद बर्फ़ से इसको हटा लें या फिर बर्फ़ में ही रहने दें, और उसके बाद जो है इसमें व्हिपिंग क्रीम ऐड कर दें। व्हिपिंग क्रीम अपने हिसाब से आपको जितनी चाहिए आप उतनी व्हिपिंग क्रीम ऐड कर सकते हैं। अगर आपके घर में व्हिपिंग क्रीम नहीं है तो क्या करें, डार्क कंपाउंड चॉकलेट है उसको ले लें, उसमें थोड़ा सा दूध डाल दें, 2-3 चम्मच करीबन दूध डाल दें, और थोड़ा सा बटर डाल दें उसमें, 1 चम्मच करीबन बटर, और उसको गर्म पानी के ऊपर उबाल दें। गर्म पानी जो तपेले हैं उस पर टच नहीं होना चाहिए। तो व्हिपिंग क्रीम हमारा रेडी है। आप इसे चॉकलेट गनाज बना सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, दूध और बटर डाल करके, ठीक है, इस तरह से गनाज बनाते हैं, और उसको थोड़ी देर 15 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने दें, तो गनाज बन जाएगा, चॉकलेट गनाज, इसमें व्हिपिंग क्रीम की ज़रूरत नहीं होती है। अब जो केक टिन है उसमें से मैंने केक निकाल लिया है, केक जो है ठंडा हो गया है। ठंडा होने के बाद ही आपको केक निकालना है, गरम गरम नहीं निकालें। और इसकी आप स्पंजीनेस देख सकते हैं, एकदम बढ़िया आई है। और बस इसके बाद करें धागे की मदद से इसको 2 हिस्से में कट कर लें। आप चाहे तो इसको 3 लेयर में भी कट कर सकते हैं, मैं इसको सिर्फ 2 में ही कट करूँगी क्योंकि मुझे ज़्यादा क्रीम इसमें ऐड नहीं करना है। तो ये देख सकते हैं इसकी स्पंजीनेस अब कितनी बढ़िया आई है। तो आप घर की स्पून से इतना बढ़िया केक बना सकते हैं, तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। और सबसे पहले जो है इसके जो बेस हैं उसके ऊपर
ये क्रीम है वो ऐड कर दें, जिससे कि जो केक है वो इधर उधर स्लिप ना हो। तो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है सबसे पहले मैं उसको रख रही हूँ, क्योंकि वो हल्का सा मोटा रहता है, तो पहले उसको रख दूँगी। उसके बाद जो है इसमें डाल देंगे शुगर सिरप, शक्कर का पानी, उसको डाल दें एकदम अच्छे से, इससे जो केक है वो बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा। और बस इसके ऊपर क्रीम ऐड कर दें। अगर आप अगर चॉकलेट गनाश बना रहे हैं तो वो ऐड कर दें, गनाश जो है वो भी बहुत टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा बनता है। तो एक बार उसको बना करके आप देख सकते हैं, अगर व्हिपिंग क्रीम नहीं है तो वो ऐड करें, और वापस से इसके ऊपर दूसरी लेयर रखें, और वही वाली जो प्रोसेस है सेम करनी है। इसके ऊपर अच्छे से जो है शुगर सिरप डाल देना है, इससे जो स्पंजीनेस है वो और बढ़िया सॉफ्ट रहेगा, स्पंज अच्छा रहेगा इसका। और उसके बाद जो है इस पर व्हिपिंग क्रीम ऐड कर दी एकदम अच्छे से। आपको जैसी भी पतली लेयर रखनी है तो पतली लेयर रखें, क्योंकि किसी किसी को क्रीम ज़्यादा नहीं पसंद होता है, तो इसमें पतली लेयर से भी आप इसको कवर कर सकते हैं। और अच्छे से आप कोई भी, जैसे अगर आपकी व्हिपिंग क्रीम अच्छे से नहीं स्प्रेड हो रही है, मतलब एकदम चिकना नहीं हो रहा है, लाइक बिल्कुल फ्लैट होता है ना केक, तो अगर ऐसा नहीं हो रहा तब कोई भी जो कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड वगैरह जो भी जो एक्सपायर हो जाता है आप उसको, या फिर कोई भी आप कड़क कार्ड ले लें और उसको इस तरह से स्प्रेड कर दीजिए, तो एकदम बढ़िया स्प्रेड हो जाएगा, बिल्कुल फ्लैट केक अच्छा बनेगा। जो ऊपर की व्हिप्ड क्रीम है वो एकदम बढ़िया इस तरह से बन जाएगी। तो आप कार्ड का यूज़ करें अच्छे से इसको बनाने के लिए। अब क्या करेंगे, जो नीचे प्लेट है इसको साफ़ कर देंगे कपड़े से, क्योंकि ये व्हिपिंग क्रीम की वजह से ख़राब हो जाती हैं, तो इसको साइड साइड से साफ़ कर दें। और उसके बाद ही मैंने डार्क चॉकलेट की कटिंग्स मैंने कर ली थी, इसको मैंने कट कर लिया था चाकू से, और उसको इस तरह से अच्छे से लगा लें। आप जैसा भी डेकोरेट करना चाहते हैं उसके बाद आप कर सकते हैं। मैं इस तरह से साइड साइड से इसको चिपका दूँगी, और हल्का सा ऊपर से भी जो चॉकलेट है उसको लगा दूँगी, तो जो केक है वो बिल्कुल सुंदर बन करके रेडी होगा। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से चेरी ऐड कर सकते हैं, डेरी मिल्क चॉकलेट लगा सकते हैं, मैंने भी इसमें डेरी मिल्क चॉकलेट लगाई है। ये देखिए जो केक है वो बिल्कुल बन करके रेडी है। एक बार बिना मेजरिंग कप के इस तरह से स्पून की मेजरिंग से आप एक बार घर पर इस केक को ज़रूर बना करके ट्राई करें, एकदम बढ़िया ये केक बन करके आएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।